जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चन दोस्तों वीवीआईपी क्वेश्चन है, व्यापम के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अगर आप इंग्लिश मीडियम अभ्यर्थी हैं तो साइड में आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, अपकेंद्रीय बल। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? किस बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों? साधारण बहुमत की। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध खाली स्थान में है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, चीन और भारत में। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जोड़ी दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक, सत्यशोधक समाज। ये जोड़ी सुमेलित नहीं है दोस्तों, बाकी जो जोड़ी दिए गए हैं ये सभी सुमेलित हैं। इस प्रकार के एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऊपर के सभी, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों गैस की अनुमति नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का हिंदी का कंप्यूटर का मॉडल पेपर वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों। आप लोग डेली बेस पे चैनल पे विजिट करते रहिएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, किस लिए शुरू किया गया था दोस्तों? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? चार्वाक का। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, राजकोषीय घाटे के। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है? किस प्रौद्योगिक संस्थान में चालू किया गया है दोस्तों? आईआईटी गांधीनगर। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? लाहौर है, मालवा है, गुजरात है, या फिर बयाना है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बयाना। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, क्या मुख्य उद्देश्य था दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कृषि का विकास। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानता या समानताएं हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको आंसर लेना है, तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3, ये तीनों सही है, तीनों समानताएं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए विंडो क्लासेस की तरफ से एक स्पेशल ई बुक निकाला गया है, 10,000 क्वेश्चन का हिंदी संस्करण में। इस ई बुक में दोस्तों बेसिक से लेके एडवांस लेवल का क्वेश्चन मेंशन किया गया है, कंप्लीट सिलेबस के साथ बनाया गया है। इस ई बुक को पढ़ के दोस्तों आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम लास्ट 2 दिन भी बचा है तो इस ई बुक से आप रिवाइज कर सकते हैं। इस ई बुक को ऐसा डिजाइन किया गया है दोस्तों, जिससे आप छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी सरकारी नौकरी की भर्ती है उसकी एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे सीजीपीएससी हो गया, सीजी व्यापम हो गया, हॉस्टल वार्डन भर्ती हो गया,
सहायक ग्रेड 3 है, प्रयोगशाला सहायक है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इस ई बुक को आप लेते हैं दोस्तों तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस ई बुक के प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, पहले में है छत्तीसगढ़ जीके, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 26 सेट, उसके बाद जीके जीएस क्वेश्चन, इंडिया सामान्य ज्ञान 65 सेट, उसके बाद जीके जीएस वन लाइनर 1500 क्वेश्चन, उसके बाद है गणित 100 क्वेश्चन, रीजनिंग है 100 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस, ये इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों हॉस्टल वार्डन के लिए, वेटेज अधिक है, इसमें आपको 1200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों साइंस सेक्शन, साइंस को मैंने सेपरेट कर दिया है, ठीक है, अगर आप प्रयोगशाला भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का वेटेज अधिक है। तो फिजिक्स है दोस्तों भौतिक के लिए 1000 क्वेश्चन, बायोलॉजी जीव विज्ञान 1200 क्वेश्चन, केमिस्ट्री रसायन का 1000 क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी दोस्तों कॉमन सब्जेक्ट है, इसमें आपको 1500 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बार नया ऐड हुआ है हॉस्टल वार्डन में बाल मनोविज्ञान, 250 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे देखिए, आगे है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का करेंट अफेयर 150 क्वेश्चन, इंडिया सामान्य ज्ञान के करेंट अफेयर 170 क्वेश्चन। तो इतने चीजें आप लोगों को इसी बुक में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं दोस्तों, इसी बुक को आप लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ये ई बुक दोस्तों वैल्यू फॉर मनी है, मानसून ऑफर चल रहा है दोस्तों, इस ई बुक के एक्चुअल प्राइस 300 रुपया है, अगर आप अभी लेते हैं तो मात्र आपको 49 रुपये में मिलेगा, 80% ऑफ है दोस्तों, 300 रुपया नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको 49 रुपया लगेगा। तो अभी आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इस ई बुक को आप लोग डाउनलोड कहाँ से कर पाएंगे, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है या ई बुक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर शो हो रहा है दोस्तों, इसमें आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण विरोध, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे, किसके द्वारा लिखे गए थे दोस्तों, कनाद, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्तिका दर्शन किसमें विश्वास करता है, किसमें विश्वास करता है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, वेदों का अधिकार, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था, ये कथन सत्य है दोस्तों, बाकी जो कथन दिए गए हैं ये सत्य नहीं है, सभी गलत है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राजनीतिक संस्था या पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया, ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, पंजाब यूनियनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह ब्याज दर जिनके नीचे अनुसूचित बद व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, बेस दर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है या मणिपुर है, कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं, किस अवसर पर बैठते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को देखते हुए आपको आंसर लेना है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2, कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पहले नंबर पे विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, दूसरा दिया गया है दोस्तों राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, ठीक है,
क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणु माने जाते हैं, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? अभी बजट पेश हुआ है दोस्तों, आप लोग को पता होगा, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, इसको पढ़िएगा और उसके अनुसार कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। कैसे है, यहाँ पे देखिए आप लोग कथन को, पहला क्या था दोस्तों, जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय राजस्व प्राप्तियों के बराबर होती है। दूसरा देखिए, अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो, तो दोनों कथन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है? कौन सा बोर है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 0.38 बोर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्तकार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है? किसका है दोस्तों, न्याय का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV-C-53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया था? सिंगापुर का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का या म्यांमार का? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है? किसे नहीं माना जाता है दोस्तों, अपराध को, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है, तो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मतानुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।